मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके का माहौल था, जिसको 2022 के चुनाव को मान रहे हैं कि 2024 का सेमीफाइनल्स है, कांग्रेस के लिए पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मोर हाई स्टेक स्टेट्स, पर हम देख रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश के साथ भी बराबर न्याय किया। आप लगातार कैंपेन में फॉर पास्ट 1 month ऑलमोस्ट, वन मंथ कैसे कह सकते हैं, आफ्टर नोटिफिकेशन एटलीस्ट आई एम सेइंग कि आपका जो फोकस है पूरा अनडिवाइडेड है, सो व्हाई सो? सबसे पहले तो मैं यूपी की प्रभारी हूँ, यहाँ पे मैंने 3 सालों से काम किया है। इतनी सारी इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के तमाम इश्यूज हैं, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, कोई इनको एड्रेस ही नहीं कर रहा है जी। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक ही बिसात पर खेल के धर्म की बात, जाति की बात कर रहे हैं, कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा, देखिए, मेरी पार्टी शुरू से यही कह रही है कि ये चुनाव इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए, जो आपके मुद्दे हैं उनके बारे में चुनाव होना चाहिए, इनका समाधान कैसे होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यही बातें होनी चाहिए। इसी के लिए हमने 3 सालों से संघर्ष भी किया है, जहाँ जहाँ समस्या आई, जहाँ जहाँ दुख हुआ, पीड़ा हुई, अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब सड़क पे उतरे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो स्टूडेंट्स की परीक्षाओं का हो मामला, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, और फिर चाहे, जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ अत्याचार हुए। तो हमने ये 3 सालों के लिए काम किया है, तो ऑब्वियसली अब चुनाव आ रहा है तो हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है, लेकिन हमारा आधार जो है वही है कि देखिए, ये जो मुद्दे हैं यही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अच्छा, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट लाइक सी अदर स्टेट्स, क्योंकि यूपी के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ बाईपोलर कॉन्टेस्ट, एक द्विपक्षीय लड़ाई हो गई है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में, पर बाकी स्टेट्स के बारे में आप होपफुल हैं, पंजाब और उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर? देखिए, होपफुल तो मैं सब स्टेट्स के बारे में हूँ। पंजाब में अच्छा, खूब अच्छी फाइट की है हमने, और चन्नी जी ने रास्ता दिखाया है। गोवा में भी हम बहुत होपफुल हैं कि सरकार बनेगी, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी अच्छी फाइट में है, अच्छा किया है हमने, तो मेरी उम्मीद तो यही है कि सरकारें बनेंगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको लगता है कि ये बाईपोलर कॉन्टेस्ट है या कांग्रेस भी कहीं है फाइट में? देखिए, यहाँ जो दूसरी पार्टियों ने पूरा जो प्रयास किया है और उनका पूरा जोर रहा है ध्रुवीकरण पे, और इस ध्रुवीकरण से जनता का कभी विकास, जनता का कभी की कभी भलाई नहीं हो सकती, तो बार बार हम यही कह रहे हैं। अब उन्होंने ये कोशिश और प्रयास पूरी तरह से किया है, हम अपने एजेंडा पे चल रहे हैं कि विकास के एजेंडा पे, हमने भर्ती के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी पूरे प्रदेश की उन्नति के लिए अलग अलग विधान निकाले हैं, उसकी लगातार हम बातें कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस चुनाव के बाईपोलर होने पे, वो तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि लोग बहुत थक चुके हैं, और मेरे ख्याल से लोग समझ रहे हैं कि जो राजनीतिक खेल है उनको फुसलाने का, उनको गुमराह करने का, और जो ये आदत बन गई है, जो मैं बार बार अपने भाषणों में कहती हूँ कि ये आदत बन गई है इन नेताओं की, ये जो राजनीतिक दल हैं, इनको जब मालूम है कि 5 साल बाद आके आपके धर्म को, आपके जज्बातों को ये उभार कर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिलना ही है, तो फिर काम क्यों करेंगे? तो ये आदत डल गई है उनकी, और मैं कह रही हूँ ये आदत तोड़ी है। ये मेरे ख्याल से लोग समझ रहे हैं कि ये जिस तरह की राजनीति चल रही है, इससे लोगों की भलाई नहीं हो रही। मैंने आपके लगभग आज सारे भाषण सुने, और यहाँ की भी बड़ी भी रैली थी, आप लगातार 2-3 बातें कर रहे हैं कि लोग आपके पास आएंगे, गर्मी निकालने की बात करेंगे, चर्बी निकालने की बात करेंगे, पर महंगाई की बात नहीं करेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि जो और भी विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, मान लीजिए बसपा भी हो, वो लोग भी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे के मैनिफेस्टो निकाले, हैव यू लेड द पिच फॉर देम? क्या आपने सिलेक्शन का नैरेटिव चेंज किया है? वो तो आप बताएंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर किया है, हमने उनको फोर्स किया है, ख़ासतौर से महिलाओं के मुद्दे पे हमने उनको फोर्स किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको आप नकार नहीं सकते। अगर आप अब जो शुरुआत में जो इन्होंने भाषण दिए थे और जो इनके नेता घूमकर कह रहे थे हर जगह, उससे और आज जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। शुरुआत में तो बहुत सारी ये चर्बी निकालने, गर्मी निकालने की बातें, अब थोड़ी थोड़ी मैंने नोटिस किया कि थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, और विकास की बात भी ला रहे हैं, और इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमने एक तरह से फोर्स कर लिया है।
कि जब हमने महिलाओं के बारे में बोला और जब हमने कहा कि महिलाएं एकजुट हो जाइए, आप एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, इस देश की आधी आबादी है, आपकी भागीदारी पूरी होनी चाहिए और आपके आपके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। ये एक सिलेंडर दे दिया, थोड़े से पैसे भेज दिए, ये तो निर्भर होने की बात हो गई कि सरकार जो थोड़ा बहुत दे रही है उस पर आप निर्भर हो जाओ। इससे भविष्य तो बनेगा नहीं, इससे आपके बच्चे फूलेंगे फलेंगे नहीं। कल आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े हों, कमाई करें, ये सब कैसे होगा अगर सिर्फ इसी एक बोरे राशन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने ये सब बातें उठाई, हमने मोबाइल फ़ोन की बात की, स्कूटी की बात की। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जितने भी स्कूल हैं अब कोरोना की वजह से काफ़ी ऑनलाइन हो गई है शिक्षा, अब बहुत महिलाओं से भी मिली, बल्कि ये एक 6 लड़कियों से मिली थी मैं स्कूल की लड़की, उन्होंने कहा दीदी पूरे कोरोना के समय हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है तो हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो उनकी पढ़ाई के लिए जो स्कूटी की बात की। अब मैंने नोटिस किया है कि बात मतलब भाजपा भी मोबाइल फ्री दे रही है, सपा भी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, मैं तो खुश हूँ, अच्छी बात है, सब सशक्त हाँ कि सशक्तिकरण की बात करें। अब कितना करेंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता अलग है। ये आपने पिच तैयार करी इस इलेक्शन की आपके हिसाब से, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर अटैक भी काफी हो रहे हैं, और मतलब वो उत्तर प्रदेश में बावजूद इसके कि अगर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, वो तो आप रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा, बावजूद इसके अगर ये मान भी लेते हैं ऑन पेपर्स, तो भी आपके ऊपर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? अब एक वो नई कंट्रोवर्सी आ गई कि आपने कहा कि वो जो यूपी के भैया वाली जो कंट्रोवर्सी थी उस पर कुछ बताना चाहेंगे। देखिए जन्नी जी बड़े जोश में थे उस समय और वो मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे, और जो आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता केजरीवाल जी और दूसरे जो नेता हैं शायद चड्डा जी या जो भी हैं उनके बारे में, हाँ मतलब उनके संदर्भ में कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों को बनानी चाहिए, पंजाबियों की सरकार, कोई बाहर से आकर पंजाब पर राज नहीं करेगा। अब मैं तो नहीं समझती कि यूपी से कोई चाह रहा है जाके राज करने के लिए, ना यूपी में किसी पंजाबियों का राज हो सकता है, पंजाबियों का राज पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का राज उत्तर प्रदेश में होगा। तो उस संदर्भ में उन्होंने जोश से बोला। अब इनका काम है कि हर चीज़ को काट पीट के किसी तरह से प्रस्तुत करें। देखिए जब भी ये करते हैं इस तरह के जो निजी हमले करते हैं कि ये दिखाने के लिए कि प्रियंका गांधी खड़ी थी और यूपी के लोगों को अपमान हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि पिछले 3 सालों से तो मैं लड़ रही हूँ, है ना। तो जब राजनीतिक मुद्दा नहीं बचता ना, तभी निजी हमले होते हैं। ये एक मेरे ख्याल से एक सच्चाई है राजनीति की, कि जो मैं राजनीति कर रही हूँ मेरी विचारधारा पे, मेरी योजनाओं पे, जो मैं कह रही हूँ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, जो मैं विकास की बात कर रही हूँ, इस पे बोलिए ना। तो इन हमलों में तो मोदी और योगी जी दोनों सभी लोग शामिल रहते हैं। अब ये उनका तरीका है, मेरा नहीं है। मैं तो उन पे कभी निजी हमले नहीं करती, मैं तो उनकी राजनीति पे जरूर कड़ा हमला करती हूँ, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए राजनीति में। लेकिन उनके ऐसा करने से मुझे कोई मतलब इफेक्ट तो नहीं होता, ठीक है, सालों से देखे आ रहे हो। अच्छा आपको मतलब आपके रिफ्लेक्शन, और बाय द वे मेरा मानना है कि अगर आप यूपी के लोगों को अपमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने जोश में कुछ कह दिया अपने पंजाब के बारे में, उसने उन्होंने किसी कोई अपमान करने की भावना भी नहीं थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी, आपने उसको घुमा के ऐसे प्रेजेंट कर दिया। क्या जब आपके मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे 6 यूपी के किसानों को कुचला और आप उसी मंत्री को अपने मंच पे रखते हैं, क्या वो यूपी के लोगों का अपमान नहीं है? यूपी की बेटी का बलात्कार होता है, आपके पुलिस और प्रशासन उसको जला देती है, उसके अंतिम संस्कार बगैर उसके माता पिता के करती है, क्या वो यूपी के लोगों का अपमान नहीं है? यूपी के तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, आपके 12 लाख पद खाली पड़े हैं आपकी सरकार में, क्या उनको पद न देने के, जब आप पद नहीं देते, जब उनको रोजगार नहीं देते, तो क्या आप उनका अपमान नहीं हो रहा है? जब इनकी परीक्षाएं रद्द होती हैं, जब इनके करियर बर्बाद होते हैं, जब ये प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में आप दमन करते हो, क्या ये यूपी के लोगों का अपमान नहीं है? कांग्रेस की जो यूपी स्टोरी है, जिस यूपी स्टोरी के बारे में आप एक एस्पायर कर रही होंगी, उस यूपी स्टोरी 2024 के संदर्भ में यूपी का ये 2022 इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक आगे रास्ता निकलता है कांग्रेस के लिए। देखिए कांग्रेस की यूपी स्टोरी क्या है, कांग्रेस 30 साल में पहली बार 400 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस ने 3 सालों से खूब संघर्ष किया है, कांग्रेस का यहाँ पर संगठन बहुत दुर्बल था, उसको पिछले 3 सालों में खूब बनाने की पूरी का पूरा प्रयास रहा है और बहुत हद तक वो बन भी चुका है। आज अगर आप किसी भी गांव में जाएं आपको कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं वहां पे दिखेगा,
उसके प्रशिक्षण करवाए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी 19,000 के तकरीबन 19,000 जेल भी गए हैं पिछले 1.5 सालों में, हिरासत में लिए गए हैं, उन बड़े से बड़े नेताओं से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता। तो कांग्रेस की यूपी की ये जो स्टोरी है, ये एक लंबे दौर की स्टोरी है, ये निश्चित है। हमारे लिए ये 3 साल हमने संगठन को बनाने में अपनी ऊर्जा डाली, पहले 2 सालों के लिए, फिर हमने जब संगठन थोड़ा बहुत बन गया था तो हमने जनता की आवाज़ उठाई, जहाँ जहाँ संघर्ष था, जहाँ जहाँ पीड़ा थी वहाँ पे हम गए, हमने जनता की आवाज़ उठाई। अब हम चुनाव मजबूती, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और हम इकलौती पार्टी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास के आधार पर, जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही है और जो सकारात्मक मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रही है। हम इकलौती पार्टी हैं जो नकारात्मक बातें नहीं कर रही हैं। तो हमारी कहानी यहाँ पे ऑब्वियसली एक लंबे दौर की कहानी है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भी हमें पूरा समर्थन मिलेगा जनता का। और एक चीज़ ये भी दिखी कि जैसे ममता बनर्जी बंगाल चीफ मिनिस्टर आई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि अभी से ये जो नॉन बीजेपी फोर्सेज हैं, जो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट है, वो अभी से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे के लिए कांग्रेस को भी काउंटर करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार रखना है? क्या शायद अखिलेश जी भी इस बात से डरते हो कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो उनका भी नुकसान है? देखिए, अखिलेश जी 3 सालों से तो निकले नहीं अपने घर से, जहाँ जहाँ संघर्ष हुआ वो तो दिखे नहीं, और चुनाव के तकरीबन 5-6 महीने पहले अचानक दिखने लगे आस्ते आस्ते, और वो भी अपनी पार्टी के अंदर अंदर अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे थे, फिर आस्ते आस्ते चुनाव के प्रचार में निकले। उनका संगठन पहले से है और ये सब है, तो उससे उनको कुछ सुविधा होती है। लेकिन देखिए, आज की राजनीति ऐसी नहीं है कि आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। ट्वीट डालने से, या मायावती जी ने किसी एक मुद्दे पे ट्वीट कर लिया उसी पे ख़त्म हो गई, 2 मीटिंग कर ली उसी पे प्रचार खत्म हो गया, ये आज की राजनीति ऐसी नहीं है। यहाँ संघर्ष की राजनीति है, दमनकारी सरकारें हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हिम्मत का मतलब है कि आप बाहर निकलें, आप आएँ, लोगों के बीच आएँ, उनकी संघर्षों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे कांग्रेस उभरे, चाहे कोई और उभरे, आप अपनी राजनीति को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या दोनों ही लोग भाजपा हो, अगर जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, जनता परेशान हो रही है, जनता त्रस्त हो रही है, तो ये जो धर्म और जाति की राजनीति है ना, इसका भी एक लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि एक समय आएगा जब जनता एकदम पूरी तरह से समझ जाएगी कि इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारा पेट नहीं भर रहा है। आपका कहना है कि मायावती और अखिलेश दोनों लोगों ने घर से ही ज्यादा राजनीति अग्रेसिव नहीं रहे, कहाँ दिखे आपको अखिलेश जी, कहाँ दिखे? अब अभी दिख रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर से दिखना शुरू हुआ है ना, जहाँ हाथरस हुआ आपका, सोनभद्र हुआ, उन्नाव हुआ, शाहजहांपुर हुआ, आपके यहाँ लखीमपुर खेरी का वो पूरा किसानों का मामला हुआ, इतने सारे संघर्ष किए नौजवानों ने, परीक्षाओं के लिए संघर्ष किए, महंगाई पे इतने सारे आंदोलन हुए, वो लोग कहाँ थे? कहाँ थे? दोनों लोग नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखे। ओके, थैंक यू।